बात इसराइल पर आतंकी प्रहार की। शनिवार को हमास के ताबड़तोड़ रॉकेट हमलों के बाद इसराइल ने आतंक को जड़ से उखाड़ फेंकने का अभियान तेज कर दिया है। इजरायली सेना लगातार गाजा पट्टी और वेस्ट बैंक में हमास के ठिकानों को निशाना बना रही है। इसराइल ने गाजा पट्टी में एयर स्ट्राइक के जरिए कई इमारतों को ध्वस्त कर दिया है, तो वहीं सैकड़ों आतंकी भी मारे जा चुके हैं। विनाश का बारूद शोले उगल रहा है। रात के अंधेरे में बर्बादी के रॉकेट तबाही मचा रहे हैं। जंग के शोर ने इमारतों को खाक कर दिया है। विस्फोट के साथ उठता धूल और धुएं का गुबार जिंदगी को खाक में मिला रहा है। बंदूकों की तड़तड़ाहट और खौफ से भर देने वाली रॉकेट की उड़ान। युद्ध की गर्जना ने गाजा से इजराइल तक आसमान को बारूद की कालिख से रंग दिया है। जमीन पर बिखरा पड़ा है टूटी हुई इमारतों का मलबा, जली हुई कारें, टैंक और मरे हुए लोगों के शव। आसमान का रंग काला हो चुका है और जमीन इंसानी खून से लाल। जिंदगी सहम गई है। इस युद्ध में करीब 350 से ज्यादा इजरायली नागरिकों की जान गई है, सैकड़ों लोग घायल हुए हैं। बदले की कार्रवाई में करीब 500 फिलिस्तीनी आतंकी मारे गए हैं। दर्जनों घर और इमारतें तबाह हो चुकी हैं और तबाही लगातार जारी है। इसराइल ने पहले ही ऐलान कर दिया है कि जब तक आतंकियों का सफाया नहीं हो जाता तब तक जंग नहीं थमने वाली। उधर आतंकी संगठन हमास भी रुकने के मूड में नहीं है। गाजा पट्टी के साथ वेस्ट बैंक से भी हमले किए जा रहे हैं। इस बीच लेबनान के आतंकी संगठन हिजबुल्ला ने भी हमास के समर्थन में इसराइल पर हमले तेज कर दिए हैं। हिजबुल्ला ने इसराइल के कब्जे वाली गोलान हाइट्स पर हमला बोला है। भूमध्य सागर के पूर्वी किनारे पर तबाही और बर्बादी की शुरुआत 7 अक्टूबर दिन शनिवार भारतीय समय अनुसार सुबह 9:30 बजे से ही आतंकी संगठन हमास ने इसराइल पर रॉकेट से हमला करना शुरू कर दिया। शनिवार को अचानक बिना किसी चेतावनी के हमास के कब्जे वाले गाजा पट्टी से एक के बाद एक महज 20 मिनट में 5,000 रॉकेट्स दागे गए। गाजा पट्टी से इसराइल के शहरों पर रॉकेट से हमला तो महज शुरुआत थी। रॉकेट हमलों के साथ ही हमास के आतंकी इसराइल की सीमा पर लगी बाड़ को काट कर अंदर घुस गए। इसके बाद इन आतंकियों ने जिस तरह गोलाबारी की, बच्चों और महिलाओं को निशाना बनाया, इसराइली सैनिकों के शवों के साथ छेड़छाड़ की, वो 26/11 यानी 26 नवंबर 2008 में मुंबई हमलों की याद दिलाता है, जब समंदर के रास्ते दाखिल हुए आतंकियों की गोलाबारी से मुंबई थर्रा उठी थी। साल 2008 में लश्करे तोयबा के आतंकवादी भारी हथियारों के साथ मुंबई में दाखिल हुए थे। उस वक्त आतंकवादियों ने मुंबई में 2 5-सितारा होटल, एक अस्पताल, रेलवे स्टेशन और एक यहूदी सेंटर को निशाना बनाया था। साल 2008 में जब मुंबई पर अटैक हुआ तब हर रोज सिर्फ शव नजर आ रहे थे। धरती लहूलुहान हो उठी थी। लियोपोल्ड कैफे और छत्रपति शिवाजी टर्मिनस से शुरू हुआ मौत का ये तांडव ताज होटल में जाकर खत्म हुआ। हॉस्टेज की आड़ में फायरिंग कर रहे आतंकियों को खत्म करने में 60 घंटे से भी ज्यादा का वक्त लगा। आतंकी हमले में 160 से भी ज्यादा लोगों ने तब अपनी जान गंवाई थी। इनमें इसराइल के नागरिक भी शामिल थे। इसराइल पर किया गया हमास के आतंकी हमले का पैटर्न भी मुंबई हमले जैसा ही है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर।
एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।